हेलो माय ब्यूटीफुल किड्स, दिस इज सरिता। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एक्नॉलेज सीरीज, अ यूनिट ऑफ अमित पब्लिशिंग हाउस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज सुपर सेंस। इट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल स्टडीज, पार्ट 5। नाउ किड्स, एज यू नो कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो डिफरेंटली वर्क करते हैं कंपेयर देन अस, कंपेयर देन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो सम एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल, सम अदर यूज देयर कीन विजन। ओके, कुछ जो एनिमल्स होते हैं कुछ का जो सेंस होता है विजन का बहुत डेवलप्ड होता है, कुछ का हियरिंग का बहुत डेवलप्ड होता है, कुछ का टच का बहुत डेवलप्ड होता है, कुछ का स्मेल करने का बहुत डेवलप्ड होता है। ओके, सेंस ऑफ विजन, मोस्ट बर्ड्स डोंट हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग। सो कुछ बर्ड्स में क्या होता है, जो हियरिंग सेंस होता है वो डेवलप नहीं होता है, बट उनका विजन जो होता है ना वो बहुत क्लियर होता है। जैसे कि ईगल होता है, सो ईगल का जो विजन होता है वो इतना क्लियर, इतना डेवलप्ड होता है, वो सेंस उनका इतना डेवलप्ड होता है, इवन इफ they are flying high in the sky, they can see a rat on the ground. Okay, उनका vision इतना clear होता है. So, animals that are active at night have the best night vision. जो animals होते हैं जो रात में active यानी कि night में active होते हैं, उनका night vision बहुत clear होता है. Okay, जो cat की family members है ना, जैसे tiger, leopard, कैट, इनका जो विजन होता है ना नाइट का बहुत क्लियर होता है और बहुत डेवलप्ड होता है। दे कैन सी वेरी वेल इन द डार्क एज वेल। ऑल आर हंटिंग बर्ड्स दैट लुक फॉर देयर प्रे एट नाइट। सो जो ओवल्स होते हैं वो रात में ही क्या करते हैं, हंट करते हैं बर्ड्स को। ओके, दे हैव अ लार्ज फॉरवर्ड लुकिंग आइज, उनकी जो आइज होती है, एज यू ऑलरेडी सीन कि उनकी जो आइज होती है बहुत बिग होती है, बहुत लार्ज होती हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट, उनका जो फूड होता है, उनके जो वो हंट करते हैं वो उसकी हेल्प से हंट करते हैं। ओके, सो वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प से, जो उनकी लार्ज आई होती है उसकी हेल्प से वो लो लाइट में भी अपने ऑब्जेक्ट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, इवन दो वो नाइट में भी यानी कि डे में भी क्लियरली देख सकते हैं। मैनी इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, आंट्स एंड हनी बीज हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज फॉर देयर विजन। क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हनी बी होती है, ओके, फ्लाइज होती हैं, तो इनका जो विजन होता है ना वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब उनके जो लेंस, उनके जो आइज के जो लेंसेज होते हैं ना, बहुत सारे लेंसेज से बनकर उनका विजन बना हुआ है। ठीक है, सो जब ये जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बीज और फ्लाइज, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, जब इनके सामने कोई इमेज आती है तो जो इनके जो लेंसेज होते हैं ना काफ़ी सारे, वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, देन वो क्या करते हैं, वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ओके, एज यू कैन सी द इमेजेस रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ दीज आर पुट टुगेदर इन द इंसेक्ट ब्रेन टू गिव इट अ कम्प्लीट इमेज। ओके, जो इनके लेंसेज होते हैं ना वो थोड़ी थोड़ी इमेज को, यानी कि थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पूरी इमेज की लेकर, तब एक पूरी कम्प्लीट इमेज की इंफॉर्मेशन मतलब ब्रेन तक जाती है। ओके, नाउ सेंस ऑफ स्मेल, कुछ एनिमल्स के जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत अच्छा होता है और कुछ का खराब होता है, लेकिन एनिमल्स विद पुअर विजन डिपेंड हैवनली ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका स्मेल ऑफ सेंस जो होता है वो बैड होता है, लाइक इट इज़ नॉट गुड, बट उनका जो लाइफ डिपेंड्स हैवनली ऑन द सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट देयर फूड। कुछ का जो विजन होता है, लाइक कुछ एनिमल्स का जो देखने का सेंस होता है, लाइक विजन सेंस होता है, वो इतना खास नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता है, बट उनका स्मेल करने का जो सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उसी पर ही वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। दे ऑल्सो यूज इट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, इन द नेबरहुड some of the animals that have a powerful sense of smell are, और वो कौन कौन से animals हैं जानते हैं। पहला है dog। dogs क्या हैं, उनका जो sense of smell है वो बहुत developed है। okay, बहुत strong होता है। आपने भी देखा होगा कि dogs easily sniff करके
पता लगा लेते हैं कि उनका फूड कहाँ पर है, या मतलब कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो भी उनको सर्च करने के लिए दिया जाए, सो ईजिली दे कैन लोकेट द ऑब्जेक्ट. ओके, और दैट्स वाई जो डॉग्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है सर्च ऑपरेशंस में, आपने देखा होगा. ओके, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होती हैं इनका भी स्मेल करने का जो सेंस होता है वो बहुत डेवलप्ड होता है. दीज हैव अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लोकेटेड एट द रूफ ऑफ देयर माउथ, जो इनकी जो इनका माउथ होता है ना, माउथ की जो इनका रूफ होता है वहाँ पर इनका वो सेंस लोकेटेड होता है. ठीक है, और ये कैसे अपने फूड का पता लगाती हैं, इनकी जो टंग होती है उसको वो फ्लिक करती हैं, उससे क्या होता है, उससे जो इनके सराउंडिंग में जो भी फूड होता है, जो भी इनका ऑब्जेक्ट होता है उसको वो स्मेल करती हैं, उसकी हेल्प से लिजर्ड अपना फूड कलेक्ट करती हैं. ओके, आंट्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल लाइक अदर इंसेक्ट्स, दे हैव स्मेल विद देयर एंटीना. जो आंट्स होती हैं ना वो अपना जो फूड लोकेट करती हैं वो करती हैं अपने एंटीने की हेल्प से, जो उनके आपने फेस पर देखा होगा ना एंटीने होते हैं, सो उसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, अपने फूड को स्मेल करती हैं. ओके, आंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर प्राइमरली थ्रू केमिकल सिग्नल्स. और आंट्स एक और चीज़ भी आपने नोटिस की होगी, जब आंट्स अपना फूड कलेक्ट करने के लिए निकलती हैं ना, सो वो एक केमिकल रिलीज करती है. ओके, सो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आंट फाइंड्स फूड इट लीव्स अ केमिकल ट्रेल पाथ ऑन अलोंग ग्राउंड ऑन इट्स वे होम. ओके, अदर आंट्स सून फॉलो दिस ट्रेल, और जो दूसरी प्लांट्स होती है वो उस ट्रेल को फॉलो करती हैं, दे लीव मोर केमिकल्स, और जो अदर आंट्स होती हैं वो भी सेम केमिकल्स रिलीज करती है, लीव करती है ऑन द वे टू कीप द ट्रेल अलाइव टिल ऑल द फूड इज कलेक्टेड. सो पूरे कंप्लीट फूड को कलेक्ट करने के लिए वो उस ट्रेल पर क्या उस केमिकल को लीव करती हैं. ओके, नाउ सेंस ऑफ टेस्ट, House flies, bees and butterflies have a taste receptors on their feet. So कुछ ऐसे animals, कुछ ऐसे insects भी होते हैं, animals भी होते हैं, जैसे house flies, bees, okay, butterflies. So इनके जो taste bud होते हैं, receptors जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इनके feet पर होते हैं. okay, before laying eggs on a plant, a butterfly walks on the leaves to make sure that they are edible for its young ones. In earthworm, the entire body is covered with the taste of receptors. जो earthworm होते हैं ना उनकी पूरी body covered होती है किससे, taste receptors से covered होती है. जो dolphin होती है kids, उसका स्मेल करने का सेंस नहीं होता, बट स्टिल वो फूड को टेस्ट कर सकती है. ओके, नाउ सेंस ऑफ हियरिंग, सम एनिमल्स दैट हंट बाय साउंड हैव रिमार्केबल हियरिंग. कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे हंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हियरिंग सेंस. ओके, दे लिसन फॉर फेंट रेस्लिंग ऑफ मूविंग प्रे. बैट्स हैव द बेस्ट हियरिंग ऑफ ऑल लैंड मैमल्स, दे ऑफन हैव ह्यूज ईयर्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जैसे आपने बैट्स देखे होंगे, उनकी आपने ईयर देखे होंगे ना, वो उनकी बॉडी से भी ज़्यादा बिग होते हैं. ओके, और जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो एक ईको, इट मीन्स वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड क्या होता है, ईको की हेल्प से उनको ये फाइंड करने में हेल्प करता है कि उनका फूड कहाँ पर लोकेट है, बिकॉज ऑफ देयर बिग ईयर. ओके, सो उनका ये सेंस ऑफ हियरिंग बहुत डेवलप्ड होता है. और बैट क्या करता है, बैट पूरे दिन सोता है, लाइक अ बैट स्लीप्स थ्रू आउट द डे इन शेल्टर स्पोर्ट्स एंड रात में जागता है. इट मेक्स हाई पिच्ड स्क्वीक्स कॉल्ड अल्ट्रासाउंड यूजिंग इट्स माउथ और नोज. ओके, जो वो आवाज़ निकालता है ना उसको हम क्या वो बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो कि वो अपने माउथ को और नोज को यूज़ करके निकालता है. इफ दी साउंड वेव्स मीट एन ऑब्जेक्ट दे क्रिएट एन ईको दैट बाउंस बैक टू द बैट. ओके, दिस स्पेशली साउंड टेक्निक इज कॉल्ड ईको लोकेशन. और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ईको लोकेशन. हंटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर लेपर्ड एंड कैट हैव एन एक्सीलेंट हियरिंग पावर. इन इंसेक्ट्स हियरिंग ऑर्गन्स
आर प्रेजेंट आर वेरी टाइनी मेम्ब्रेन्स टू हेयर डिस्टेंट साउंड्स. दे आर नॉट कन्फाइंड टू द हेड. जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके हियरिंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. ओके और क्या होता है, दे आर नॉट कन्फाइंड टू द हेड बट कैन ऑक्यूर इन डिफरेंट लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. ओके अब जैसे क्या होता है, स्पाइडर्स होते हैं और कॉकरोचेस होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, लेग्स पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं. ओके जैसे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स के क्लॉन्स पे हेयर होते हैं, उसके पूरे बॉडी पे हेयर्स होते हैं. सो वो कैसे वाटर की जो वेव होती है या वाटर की जो मूवमेंट होती है उसको उसकी हेल्प से डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को. क्रिकेट्स होते हैं, सो वो क्या होते हैं, उनके वो अपने लेग से हियर करते हैं. ओके जो साउंड वेव्स होती है, वाइब्रेट अ थिन मेम्ब्रेन ऑन द क्रिकेट्स फ्रंट लेग. ओके ग्रासहॉपर्स हैव हेयर ऑल ओवर द बॉडी टू डिटेक्ट एयर मूवमेंट. ग्रासहॉपर की पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं जिसकी हेल्प से वो एयर मूवमेंट को डिटेक्ट करता है. हेयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. स्नेक्स डोंट हैव एन एक्सटर्नल ईयर्स. जो स्नेक्स होते हैं किड्स, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. उनका जो हियरिंग का सेंस होता है ना, उनके वो जो में होता है. ओके अंदर होता है, यानी कि उनके जबड़े में होता है. दैट्स वाई जो जब भी वो चलते हैं ना, जब वो स्क्रोल करते हैं उस पर अर्थ पे या ग्राउंड पे, तो उनका जो होता है वो हमेशा ग्राउंड पर होता है. ओके जिसकी हेल्प से वो वाइब्रेशन को पता करते हैं. दैट इज वाई दे रेस्ट देयर जॉज ऑन द ग्राउंड एज दे मूव. ओके वॉट इज इट दैट अनेबल स्नेक चार्मर्स टू मेक स्नेक्स डांस टू देयर ट्यून्स. इफ द स्नेक्स कैन नॉट हियर द ट्यून्स, वाई डू दे स्वेयर. सो ऐसे होता है कि जो चार्मर्स होते हैं ना, स्नेक चार्मर्स होते हैं, वो अब जैसे स्नेक है, स्नेक के एक्सटर्नल ईयर्स तो है नहीं, सो उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है इतना डेवलप नहीं है, बट ही कैन फील विद द वाइब्रेशन ऑफ देयर जॉज. ओके बट वो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जब वो ट्यून प्ले करते हैं, ओके जो उनकी जो ट्यून होती है, ट्यून से वो डांस करता है, बट ऐसा नहीं है लाइक डांस तो वो करता है, बट समवेयर स्नेक फील्स कि उसको ना उससे हार्म है. जो भी वो ट्यून देख रहा है, जो भी वो जिस भी डायरेक्शन में मूव होती है, तो स्नेक को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको उस ट्यून से हार्म है. दैट्स वाई वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू ट्यून. सो दैट्स वाई. ओके किड्स, सेंस ऑफ टच. सो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका सेंस ऑफ टच बहुत गुड होता है. एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट टेंड टू हैव पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच. हेल्प देम कम्युनिकेट एंड फाइंड फूड. ओके अ कैट्स विस्कर्स एक्ट एज अ वेरी सेंसिटिव फिलर्स. जो कैट्स की विस्कर्स होते हैं ना, मूछें होती हैं ना, वो उसको हेल्प करती हैं क्या, उसका ऑब्जेक्ट फाइंड करने में, उसके फूड को फाइंड करने में, उसको कि उसके ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है. सो उसकी जो विस्कर्स होती है वो उसको हेल्प करती है. ओके दीज स्पेशल हेयर स्टिक्स आउट फ्रॉम द कैट्स चीक्स एंड चिन. कहाँ पर होते हैं, उसके चीक्स पर और चिन पर होते हैं. ओके A cat tends to be the most active at night. जो cats होती हैं वो सबसे ज़्यादा active कब होती हैं, nights में. Whiskers help it feel its way around in the dark. Fishes have a lateral line system consisting of sense organs in canals along the head and the trunks. These receptors detect change in water pressure. और ये क्या करते हैं, ये receptors डिटेक्ट करते हैं चेंज को, जो भी चेंज होता है ना वाटर में या वेव जो भी चेंज होते हैं उसके प्रेशर को, एंड दस हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकेटिंग प्रे. बटरफ्लाइज हैव हेयर ऑन देयर विंग्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर. अ बैट कैन डिटेक्ट वार्मथ ऑफ एन एनिमल फ्रॉम अबाउट 16 सेंटीमीटर. ओके जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ना बैट का, वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस से भी पता लगा सकता है अपने ऑब्जेक्ट का. एंड वो कैसे, इको लोकेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो क्या करता है, वो अपने नोज से, अपने माउथ से एक साउंड क्रिएट करता है जो वाइब्रेट होके उस तक पहुंचता है और उसको
पता लग जाता है. ओके नाउ डू एनिमल्स स्लीप, क्या एनिमल्स सोते हैं? यस एनिमल्स नीड रेस्ट एज मच एज ह्यूमन बींग्स डू. ओके एंड इनफैक्ट सम एनिमल्स नीड मच मोर, और कुछ एनिमल्स को तो हमसे ज़्यादा नीड होती है स्लीप की. वाइल एंड अडल्ट ह्यूमन बींग्स नीड अबाउट 8 hours ऑफ स्लीप. जो ह्यूमन्स हैं उनको कितने आवर्स की नीड होती है? 8 hours. ओके डॉग्स एंड डॉल्फिन्स नीड अ लिटिल ओवर 10 hours ऑफ अ स्लीप. जो डॉल्फिन्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनको कितने आवर्स की होती है? 10 hours की. एंड ह्यूमन बेबीज नीड एज मच अ स्लीप एज अडल्ट टाइगर्स विच इज़ अबाउट 16 hours. सो जो टाइगर्स होते हैं, जो ह्यूमन बेबीज होते हैं, उन दोनों की स्लीप एक जैसी होती है, लाइक दे नीड 16 hours स्लीप. ओके वाइल द स्लीपी ब्राउन बेट स्लीप्स फॉर 20 hours अ डे. एज आई टोल्ड यू अबाउट द बेड, कि वो पूरे दिन सोता है, बेड पूरे दिन सोता है और रात में अपना फूड लोकेट करता है, वो एक्टिव रहता है. ओके सो वो पूरे दिन में 20 hours सोता है. ओके नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट द चैप्टर, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस. Name the 5 sense organs that state usefulness of each. आपको 5 sense organs के बारे में बताना है और उनके क्या क्या use हैं जो animals में होते हैं. Why do sense organs of some animals are highly specialized? Okay. Which of these is not an insect? आपको बताने हैं ये कि okay कि क्या है ये. Correct. आपको option पे click tick करना है. Okay. Do it yourself. Now name the sense organ that is highly developed in the following animals. कुछ animals में जो sense organs होते हैं वो highly developed होते हैं, और वो कौन कौन से sense organs होते हैं. So you have to write on your own. Fill in the blanks. You have to write. Okay. Answer the following questions. Do animals have sense organs? Yes, they have. Give 2 examples of how they sense their food. Okay, would help snakes and lizards to pick up information about their surroundings. जो snakes और lizards होती हैं उनको अपने आसपास की information कैसे collect होती है. Describe the sense of smell in dogs. जो dogs में smell sense होता है उसको आपको describe करना है. How do ants communicate with each other? What do you mean by echolocation? Echolocation क्या होती है? जो bat बेसिकली जो बेट एनिमल होता है वो क्रिएट करता है. हाउ डज इट हेल्प एनिमल्स? ओके व्हाट हेल्प्स अ स्नेक टू हैव अ साउंड? हाउ आर विस्कर्स यूजफुल टू कैट्स? कैट के लिए उसकी जो विस्कर्स होती हैं वो कैसे यूजफुल होती हैं? एनिमल्स स्लीप इन अ वेरियस वे. जो एनिमल्स होते हैं वो स्लीप करते हैं काफ़ी तरीके से. डिस्क्राइब द फैक्ट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल. ओके किड्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट्स. सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे हेल्दी स्टे लर्निंग. बाय.